वही खुंडिया वन परिक्षेत्र के साथ अब एटीआर में अतिक्रमण का दौर जोरों से फैलने लगा है, जिसे छोड़ने में प्रशासन को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खुंडिया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग गांव से वन भूमि पर अतिक्रमण और मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। वही दर्जनों गांव वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, तो वहीं साथ ही पट्टाधारी किसानों की जमीन पर भी कब्जा करने से नहीं चूक रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों के बीच अतिक्रमण कर हल चलाने को लेकर विवाद के साथ मारपीट भी हो रही है, जिसे सुलझाने में प्रशासन को काफी मशक्कत के साथ पसीने बहाने पड़ रहे हैं। बहरहाल आगे देखने वाली बात यह होगी कि अतिक्रमण से हो रहे विवाद को प्रशासन किस तरह सुलझाने में कामयाब होती है, यह तो उनके विवेक पर ही निर्भर करता है। पेड़ की हम लोग बहुत झगड़ा लड़ाई करते हैं और मारपीट गलत दई ने मारपीट करके और चौकी रिपोर्ट कर लाए अपने रिपोर्ट करे हमारे ऊपर में काबिज के जंगल है हाँ। बोला हम छोड़ाना चाहते हैं और अपन बाहर बाहर से आदमी बसाए के हमारे जंगल छीन चाहते हैं के कई बार घटपुरी हमारे घर रहे हैं सब हमरो तो लोग लइका हैं हैं हमार हक ला हम हुना दे देबो तो हम कहां जाबो कहां जाबो। लखन से गोर नाम का अपने सलगी का रहने वाला आदमी है, उनका आके रिपोर्ट लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि सलगी और महुआ माचा का जो एक 468 कक्ष कमन 468 का वन भूमि है, जिनको उनको अधिकार वन अधिकार पट्टा दिया गया है, उसमें महुआ अपना झिरिया गांव के ग्रामीण आकर उसको कब्जा कर रहे हैं। इस बात को लेकर उनके साथ में राजेश यादव और जुगनू बैगा मारपीट किया है, इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराया, उस पर से हम लोग मारपीट का मामला यहाँ दर्ज किया गया है। आज झिरिया गांव के लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आवेदन दे रहे हैं कि भाई उसे वो हमारे कब्जे की भूमि है जिसमें हम लोग 5 साल तक से खेती किसानी कर रहे हैं, उसमें इसमें सलगी और महुआ माचा के लोग आप जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, इसके आवेदन दे रहे हैं, इस पर उनको पक्ष के ऊपर भी संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पंचायत के द्वारा अवैध हो रहे कब्जे को हटाने के लिए गांव के सभी लोग पहल कर रहे हैं। इसमें ये गांव वालों का ये मांग है कि हमारे जो गुजर बसर गाय गरुआ चराने के लिए गठान के लकड़ी के लिए अपने जंगल को सुरक्षित रखने के लिए पहल कर रहे हैं, जिसमें कई लोग अवैध रूप से कब्जे करके खेती कर रहे हैं और ये समिति के लोग छुड़ाने के लिए कब्जे को जाते हैं तो इन्हीं लोगों के ऊपर उल्टा केस करके इन लोगों को फंसाने की धमकी दिया जाता है, साजिश किया जाता है। वन विभाग का वन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूँ, ग्राम झलरी का। कक्ष क्रमांक 494 में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है और हरा भरा झाड़ को काट काट के पूरा खेती कर रहे हैं और ट्रैक्टर से जोताई भी किया जा रहा है। वन अधिकार समिति के अध्यक्ष झलरी से, हम लोग पूरे गांव वाले मिल के आए थे, जंगल में कुछ शिकायत मिला के अवैध कब्जा कर रहे करके हटाने आए थे, तो उस दौरान माखन घिटलारे और उनके पिताजी और उनके दो बहन के द्वारा अवैध कब्जा कर रहे थे, उसके संबंध में हम लोग उनसे चर्चा किया तो वो लोग बोले कि यहाँ से जो नदी से डोंगरी तक का जगह मेरा है।